बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ घंटे के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मलेशिया की बहुत सारी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ KLCC के पास। ये थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ। इस साइड पर फुहारे आपको नज़र आ रहे होंगे, कितने नज़ारे कर रहे हैं। और इस साइड पर अगर बात करूं तो ड्रैगन की तस्वीर बनाई हुई है। और इधर बात करूं तो KLCC साइड पर है माशाल्लाह। और इन्होंने ड्रैगन की तस्वीर, क्योंकि ये जो साल है ये ड्रैगन का साल है, इसलिए ये लोग बोलते रहते हैं कि ये जो साल है ये ड्रैगन वाला साल है। तो दोस्तों बात करता हूं, अभी मैं आया था पाकिस्तान एम्बेसी में। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान एम्बेसी से होके इधर आया हूँ और मैं अपना IC बनवाने आया था, क्योंकि वो एक्सपायर हो गया था, डेट ओवर हो गया था, इसलिए बनवाने के लिए मैं एम्बेसी आया था। दोस्तों आप दोस्तों से थोड़ी सी बातें शेयर करनी है। जो लोग मलेशिया में पासपोर्ट ने IC बनवाना है या रिन्यू करवाना है, अपना IC रिन्यू करवाना है मलेशिया एम्बेसी में आने के लिए, तो अपने भाई की फ़ोटोकॉपी और अपने अगर आपके दो भाई हैं, अपने दो भाइयों की फ़ोटोकॉपी, उसमें दो गवाहों की IC चाहिए होती है, जो अपने आपके फैमिली मेंबर हैं उनकी। उसमें आपका भाई भी हो सकता है, आपका बाप भी हो सकता है, आपके वालिद साहब भी हो सकते हैं, और आपकी माँ, आपकी बहन, मतलब कोई भी किसी भी अपने फैमिली के दो मेंबर की IC होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी। उसकी डिटेल उधर भरनी होती है आपने गवाह के तौर पर। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले सबमिट करवाया अपना IC। और एक बात आप लोगों को एक और भी बता दूं, वो पूछते भी हैं मैरिड अनमैरिड दुनिया, ठीक है ना। अगर आप मैरिड हैं तो उसके साथ आपकी बीवी के डॉक्यूमेंट, आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट भी लगेंगे और आपका पासपोर्ट साथ चाहिए, ठीक है। IC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, और एक और भी बात, और इसके अलावा अगर आप अनमैरिड हैं या फिर आप पाकिस्तान में शादी की थी, उसको डिवोर्स दे दी, तलाक हो गई थी, तो वो आपने एक काम करना है कि जो आपका रिकॉर्ड है नादरा का, वो अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो वो आपने रिकॉर्ड ख़त्म करवाना है वहाँ से, नादरा से। आपने डॉक्यूमेंट जो डिवोर्स पेपर भेजा है ना, अपने यूनियन में काउंसिल में जाके वहाँ से डिवोर्स पेपर लें, नादरा कंप्यूटराइज, वो आपने नादरा में उसका मतलब सबमिट करवाना होता है और बताना होता है कि मैंने जो शादी की थी वो डिवोर्स दे दी है और वो तलाक हो चुकी है। तो वो आपने वहाँ अपने नादरा में वहीं पर पाकिस्तान में ही करवाना होता है, इधर नहीं हो सकता। नॉर्मल जो IC बनता है वो एक महीने तक है। और इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जो अपने आपके फैमिली के मेंबर हैं वो साथ होने चाहिए, ठीक है। उनका मतलब वो आपने एड्रेस में लिखना होता है। अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी है वो भी चलेंगी, साथ नहीं लगानी आपने फ़ोटोकॉपी, कोई भी साथ नहीं अटैच करनी होती, सिर्फ उनका वो एक फॉर्म देते हैं, उसमें आपने अपना नाम, अपना एड्रेस फिल करना होता है, उसके बाद अपने भाई का IC और अपने जो दूसरे दो गवाह होते हैं उनकी IC मतलब वो ऐड करनी होती है। तो बड़ा इजी प्रोसेस है और बहुत अच्छा, मतलब एम्बेसी जो पाकिस्तान एम्बेसी के जो अभी स्टाफ है बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं लोगों के साथ। मुझे तो अच्छा लगा यार, बहुत मतलब वो तावन कर रहे हैं। तो पासपोर्ट की अगर बात करूँ तो पासपोर्ट भी ऐसा ही है, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो वो आपने अर्जेंट बनवाना है, तब भी अगर आपने रिन्यू करवाना है ना, तो उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट के साथ आपको ओरिजिनल IC और आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो एक्सपायर आपका जो होता है नॉर्मल भी बनता है और आपका अर्जेंट भी बनता है, ठीक है। अर्जेंट की थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होती है, नॉर्मल की तकरीबन 105 रिंगिट है नॉर्मल की। तो जो अर्जेंट होता है वो उसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 200 रिंगिट तक है, 200 से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। तो अपना माइंड ये आप पर डिपेंड है कि आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं या नॉर्मल फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं। दोस्तों मतलब अगर बात करूँ यहाँ मलेशिया में तो बहुत इजी है, कोई मसला नहीं होता, यहाँ आप बहुत मतलब कॉन्फिडेंट कर सकते हैं यहाँ आकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊँ यार, कसम से जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये बहुत ज़बरदस्त यार जगह है। और आज लोगों का रश कम है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हॉलीडे ख़त्म होने वाला है, आज ज़्यादातर लोग काम पे चले गए हैं और कुछ लोग हैं ये जो हॉलीडे मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखें तो बड़ा इजी प्रोसेस है, अगर आप मलेशिया में रहते हैं, अपना IC अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, किसी किस्म की आपको फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपको चाहिए, आपके पास पासपोर्ट और आपकी IC आपके पास है तो आपका काम हो गया।
अगर फिर भी इस बारे में कोई पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा और उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मलेशिया की बहुत सारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।